हे गाइस, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी वार्डरोब शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास कितनी सारी नहीं बट कुछ बनारसी साड़ी का कलेक्शन है जो कि काफ़ी पुरानी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको किसी शादी में जाना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं और आपके पास कोई न्यू साड़ी नहीं है, तो आप अपनी मम्मी के या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने मदर इन लॉ के वार्डरोब में भी जा सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको कोई काफ़ी पहले की साड़ी भी अगर आपको मिल रही है तो आपको उसको ज़रूर पहननी चाहिए। और अगर आप एक न्यू स्टाइल से अगर उसको न्यू तरीके से उसको अगर स्टाइल करते हैं तो वो भी उसका भी बहुत अच्छा और बहुत ग्रेसफुल लुक आता है। आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बनारसी साड़ी का कलेक्शन है यह जो कि काफ़ी पुरानी है और कैसे मैं उसको रीस्टाइल करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जिस साड़ी के बारे में हम बात करेंगे वो पिंक कलर की बनारसी साड़ी है एंड काफ़ी हैवी साड़ी है, काफ़ी हैवी वेट है साड़ी का एंड बहुत साल वो भी काफ़ी साल पुरानी है, उसे भी ऐसी 24 या 25 ईयर्स हो गए हैं। तो इस टाइप की साड़ी मुझे तो जब मैंने ये साड़ी पहनी और इसकी शाइन एकदम क्या कहूँ, मतलब इसकी शाइन तो एकदम ऐसी है कि जैसे कि कल ही लाए होंगे साड़ी, वो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो मैंने जब ये पहनी तो मुझे तो एकदम रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी, बट ये मैंने नॉर्मली नहीं पहनी है, फ्री छोड़ दिया या ऐसे नहीं पहनी। मैंने ये साड़ी थोड़ा सा अलग स्टाइल में पहनी है, इसमें जो पल्लू लिया है वो प्लेट्स वाला ही लिया है, बट यहाँ से मैंने थोड़ा लूज छोड़ दिया तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये साड़ी को पहना है। एंड इसमें मैंने मांग टीका डाला है थोड़ा हैवी सा एंड ईयरिंग्स डाले हैं एंड काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है साड़ी का। तो आप इसे देख सकते हैं कि आप इस तरह से भी साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं। के बारे में बात करने वाली हूँ वो ऑरेंज कलर की साड़ी है एंड ये भी काफ़ी साल पुरानी साड़ी है, बहुत साल पुरानी, 20 ईयर्स से अबव हो गए हैं साड़ी को, तो इतने साल पुरानी साड़ी है। उसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी नहीं है, वो लाइट वेट में है, बट इसकी शाइन जो है वो अभी भी वैसे ही है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है पहनने के बाद। एंड इसमें ग्रीन कलर का इसमें कंट्रास्ट है, ग्रीन कलर का कंट्रास्ट में ये साड़ी दी हुई है, तो मैंने इसके साथ ग्रीन कलर का ही ब्लाउज डाला है, उस ग्रीन कलर की ही ज्वेलरी पहनी है एंड इसमें लिपस्टिक का कलर मैंने थोड़ा सा डार्क रखा है एंड एक जूड़ा बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें ये हल्दी के लुक के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड वैसे भी आप नॉर्मली भी इसे कहीं भी पहन सकते हैं और ये और ज़्यादा हैवी भी नहीं है। ये जो साड़ी है उसमें मैंने सोचा कि इसको फ्री, इसका जो पल्ला है उसको फ्री छोड़ा जाए, तो ये इस तरह से पहन के ये बहुत ही प्यारी लग रही है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। के बारे में बात करेंगे वो है ग्रीन कलर की साड़ी और ये बनारसी में ही है एंड इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी हैवी मटेरियल में है ये एंड इसकी जो शाइन है वो अभी तक वैसे ही है और बहुत ही प्यारी लगती है ये साड़ी एंड काफ़ी अच्छे से ये मेंटेन की रखी हुई है मेंटेन करके। एंड ये साड़ी इतनी प्यारी है कि मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा हटके किया जाए, तो ये इसको मैंने बंगाली लुक दिया है, मैंने बंगाली स्टाइल में ये साड़ी को पहना है एंड खुद को भी थोड़ा अलग लुक देने के लिए मैंने एक जूड़ा बना दिया है, उसमें गजरा लगा दिया है, एक बिंदी लगाई है एंड इसमें मैंने के ईयरिंग्स डाले हैं थोड़ा बड़े एंड उसमें एक नेक पीस पहना है। जिस साड़ी के बारे में बात करूँगी वो वैसे तो काफ़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बट बनारसी में है, बहुत साल पुरानी है एंड ब्लू कलर की साड़ी है
तो वो भी वैसे तो काफ़ी सिंपल है, उसका प्रिंट भी बहुत सिंपल है कि अगर हम नॉर्मली उसे अगर देखेंगे तो शायद शायद ही आप उसे चूज़ करेंगे पहनने के लिए, बट वो पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारी रहती है। कोई भी साड़ी वैसे स्टाइल कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही पुरानी, तो अगर आप उसे अच्छे से पहने तो वो अच्छी ही लगे। इसमें मैंने बाल खुले रखे हैं एंड हैवी इयर रिंग्स डाल दी हैं एंड थोड़ी सी बैंगल्स पहन ली हैं। वैसे जो इस टाइप की साड़ी होती है वो काफ़ी सिंपल होती है, तो ये स्कूल या ऑफिस या इन जगह जाने के लिए बेस्ट होती हैं। आप इसे सिंपली अच्छे से पहनेंगे तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, तो इन जगहों जाने के लिए ये काफ़ी सिंपल और बहुत एलिगेंट लुक देती है, तो बहुत अच्छी लगती है इस टाइप की साड़ी। नेक्स्ट जिस साड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो पर्पल कलर की बनारसी साड़ी है एंड उसमें पिंक कलर का उसका जो पल्लू साइड है वो पिंक कलर का उसमें कलर दिया हुआ है, वो पिंक कलर के कंट्रास्ट में दी हुई है वो साड़ी। एंड आप अभी भी उसे देखेंगे तो वो वैसे ही एकदम उसकी शाइन एकदम वैसे ही अभी भी बरकरार है और इतनी शाइनी अभी भी है वो साड़ी। एंड उसमें पुरानी बनारसी साड़ी जो होती है काफ़ी हैवी मटीरियल में होती है, तो इस साड़ी के साथ मैं वैसे पिंक कलर का ब्लाउज भी पहन सकती थी, बट मैंने थोड़ा सा अलग करने के लिए उसमें ब्लू कलर का ब्लाउज डाला है एंड उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बट ये कि पोनी टेल बनाई है, पोनी टेल में भी काफ़ी अच्छा लुक आता है अगर आप साड़ी में पोनी टेल बनाएं तो। और उसमें मैंने सिंपली झुमके डाले हैं एंड बस इसको मैंने इसी तरह से उसको एक लुक दिया है और ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है ये साड़ी पहनकर। आज मैंने आपको अपनी बनारसी साड़ी का कलेक्शन दिखाया जो कि काफ़ी साल पुरानी थी एंड आप उसे कैसे रीस्टाइल कर सकते हैं और आप वो पुरानी साड़ियाँ भी बहुत ही अच्छी लग सकती हैं, तो अगर आप अब आपको कहीं जाना हो तो पुरानी साड़ियों में भी एक बार नज़र मार लें कि ये कि हम किस तरह से पहन सकते हैं और ये कितनी अच्छी लग सकती हैं। तो यस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।